Hello students, welcome back. So our today's topic is scales in fishes. So first of all, let me tell you कि fishes के regarding तीन बहुत important topic रहते हैं और ये तीनों में से कोई ना कोई topic जरूर आता है. पहला तो scales in fishes हो गया, उसके बाद दूसरा आपका fins in fishes और फिर आपका जो आता है वो है आपका parental care in fishes. तो fins in fishes और parental care in fishes already हम discuss कर चुके हैं और अगर आपने video नहीं देखा है and if you want कि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. तो लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करते हैं. देखो सबसे पहले क्या है कि जो एक फिश का जो एक स्केल होता है ना वो बहुत ही स्मॉल और रिजिड प्लेट होती है, जैसा प्लेट लाइक, ठीक है, प्लेट होती है वो एक जो कि स्किन के बाहर ग्रो करती है. फिश की जो बॉडी पूरी स्किन होती है, बॉडी की स्किन होती है, उसके बाहर ग्रो करती है. स्केल्स जो है वो जनरली बोन्स और जो डर्मल स्किन लेयर है उससे बनी हुई होती है. एंड स्केल्स जो होते हैं वो स्पीशीज टू स्पीशीज जो उनका साइज होता है, जो उनका फॉर्म होता है, वो वेरी करता है. डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट साइज के और शेप के, फॉर्म के क्या होंगे, स्केल्स होते हैं. फोर्थ पॉइंट इज दैट ऑल द फिशेस, जो बॉडी होती है सारे फिशेस की, वो क्या होती है, कवर्ड रहती है स्केल्स से. लेकिन कुछ फिशेस ऐसी होती है जिनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं और वो क्या है, हमारे साइक्लोस्टोम्स. साइक्लोस्टोम्स में आपका लैम्प्रे आ जाता है, हैगफिश आ जाती है और अगर हम और कुछ बॉटम ड्वेलर्स होते हैं जैसे कि कैटफिश की कुछ स्पीशीज होती है और शार्क्स की कुछ स्पीशीज होती हैं, उनमें क्या होते हैं, स्केल्स नहीं होते हैं. साइक्लोस्टोम्स और कुछ फ्यू बॉटम ड्वेलर्स में जो स्केल्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंड इंस्टेड ऑफ स्केल्स वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, थिक म्यूकस लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है. बॉटम ड्वेलर्स क्या होते हैं, जो जनरली बॉटम पे ही रहते हैं और वहीं पे वो खुद को फीड भी करते हैं, वो स्विम करके सरफेस तक नहीं आते हैं वाटर के, ठीक है. उसके बाद ना नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज दैट स्केल्स यूजुअली क्या होते हैं कि अगर हम स्केल्स की बात करें तो फिशेस की जो बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस जो है वो पूरी एंटायर बॉडी सरफेस का मतलब है कि पूरी बॉडी सरफेस जो है वो स्केल्स से कवर्ड रहती है. लेकिन कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज, कुछ लोकलाइज्ड एरियाज पर ही क्या होते हैं, जो स्केल्स है वो प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कि आपका पॉलीडॉन हो गया, आपका एसीपेंसर हो गया. तो इन फिशेस में क्या होता है कि स्केल्स पूरी बॉडी में, पूरी एंटायर बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं रहेगी. कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होंगे फिशेस की बॉडी में, बॉडी सरफेसेस पर, जहां पर स्केल्स प्रेजेंट होंगे. अब सिक्स पॉइंट, वर्टिब्रेट्स में जनरली क्या होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो दो टाइप के स्केल, जो एक्सोस्केलेटल कवरिंग होती है, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है, जनरली वो टू टाइप्स ऑफ स्केल से बनी हुई होती है, या तो वो एपिडर्मल स्केल्स एंड डर्मल स्केल्स. तो क्या होता है, देखो फिशेज में एपिडर्मल स्केल्स नहीं होते हैं, फिशेज में क्या होते हैं, डर्मल स्केल्स होते हैं. तो आपको ये पता है कि फिशेज में स्केल्स होते हैं. अब फिशेज में कौन से स्केल्स होते हैं, डर्मल स्केल्स होते हैं, ठीक है. डर्मल स्केल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल थिन कैलकेरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए बोनी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, बोनी प्लेट्स होती हैं जो एक साथ फिट रहती हैं, जो बहुत क्लोजली क्या रहती हैं, टुगेदर, दे क्लोजली फिटेड टुगेदर, या तो वो साथ में बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट तरीके से फिट रहेंगे एक दूसरे के साथ, या फिर वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कि एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है, ये होता है. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो बॉडी सरफेस की बात कर रहे हैं तो जो यहाँ पर जो मैं ब्लैक इंक से जितना भी मैं एरिया कवर कर रही हूँ, यहाँ पे सब जगह क्या है, आपके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. इस पूरी जगह पे आपके क्या है, स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे. और रेड पेन से जो मैं आपके यहाँ पे ये टिक के मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, आपके फिन्स हैं, ठीक है. ये आपका पीछे का एनल फिन है, ये आपके पेक्टोरल फिन, डॉर्सल फिन, पेल्विक फिन, ये सभी फिन्स हैं. रेड पेन से जो मार्क किए हुए हैं ये हैं आपके फिन्स, और जहां पे पूरी मैंने फिश पे ब्लैक इंक से किया हुए हैं मार्क, वहां पे क्या है, आपके स्केल्स प्रेजेंट है. तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको जॉट डाउन कर लीजिए. इनको मार्क्स को मैं रिमूव कर देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा.
तो ये आपको होपफुली समझ में आया होगा इतना पार्ट। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो देखो आपको ये तो पता चल गया है आपकी फिशेज में एपिडर्मल सेल्स तो नहीं होते हैं, सॉरी एपिडर्मल स्केल्स नहीं होते हैं, फिशेज में क्या होते हैं डर्मल स्केल्स होते हैं। अब आपको ये पता है टोटल 5 टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन फिशेज। कॉस्मोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स, गेनोइड स्केल्स, फोर्थ है आपका साइक्लॉइड स्केल्स एंड देन फिफ्थ इज टिनोइड स्केल्स। तो 5 टाइप्स ऑफ डर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन फिशेज। ठीक है, फिशेज में 5 टाइप के डर्मल जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और इन सभी को एक एक स्केल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो सेकेंड पार्ट आएगा इसका। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल्स, पूरे 5 टाइप के डर्मल स्केल्स होते हैं, कॉस्मोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स, गेनोइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स एंड टिनोइड स्केल्स। सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ स्केल्स इन फिशेज। स्केल्स जो फिशेज में होती है ना उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इनकी स्केल्स की मेनली 3 इंपॉर्टेंट यूजेस है, इसकी 3 इंपॉर्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है कि आपका स्केल्स जो है वो फिशेस को प्रिडेटर्स से जो है प्रोटेक्ट करती है और जो कभी एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है उससे भी प्रोटेक्ट करती है। वो एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं फिश का, जो स्केल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो फिशेस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम प्रिडेटर्स या फिर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी से। उसके बाद बात करेंगे कि फिशेस जो है वो इजीली स्केल्स के थ्रू वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करती है। फिन्स भी क्या होते हैं स्केल्स में, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्केल्स भी क्या होते हैं, मूवमेंट जो है फिशेस का थोड़ा इजी कर देते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जब वो मूव करते हैं उनका मूवमेंट होता है तो वो इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ स्केल्स। फिर क्या होता है, देखो ये भी बहुत थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट स्केल्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फिशेस। क्या होता है कि स्केल्स जो है इनके हेल्प से हम जो है इजीली फिशेस की जो एज है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे जैसे फिश की ग्रोथ होती है तो फिशेस में क्या होते हैं स्केल्स होते हैं तो वो स्केल्स भी ग्रो करते हैं, उन स्केल्स में भी ग्रोथ होती है और जब स्केल्स में ग्रोथ होती है तो वो कंसेंट्रिक लाइंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक लाइंस फॉर्म करते हैं और वो लाइंस से पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए कि हम इजिली जो है फिशेस की एज को डिटरमाइन कर सके। लाइक सैल्मन की मैं बात करती हूँ और दूसरी भी जो फिश की स्पीशीज हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि जो अरेंजमेंट होता है कि किस तरीके से जो स्केल्स है वो अरेंज है, क्या स्केल्स का नंबर है, कितने नंबर ऑफ स्केल्स हैं, क्या उनका फॉर्म है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, वो स्पाइकी हैं या फिर वो डायमंड शेप्ड के हैं, ये सभी क्या करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिश स्पीशीज। अलग अलग फिश स्पीशीज को हम अरेंजमेंट, नंबर, फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के थ्रू पहले तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है कि कमर्शियली भी जो है स्केल्स का यूज किया जाता है कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए भी क्या होता है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको स्केल्स मैंने दिखाए हैं। देखो ये हैं आपके, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस साइड देखिए, इस साइड क्या है पूरा कॉम्ब लाइक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से ये वाला भी आप देख रहे होंगे स्केल्स। तो ये अलग अलग टाइप के स्केल्स है, ये भी स्केल्स हैं, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ स्केल्स, ये भी जनरली स्केल्स हैं। अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि स्केल्स क्या हैं। नेक्स्ट मैं आपको विथ प्रॉपर डायग्राम मैं आपको हर एक टाइप जो है स्केल का, कॉस्मोइड हो गया, प्लेकोइड हो गया, एक्सेट्रा, सभी को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपने कमेंट्स, वहां से मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना क्योंकि वो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी और वो सेकेंड पार्ट होगा जहां पर हम जो टाइप्स हैं डर्मल स्केल्स के उनको डायग्राम्स के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।